गौरव ग्रोवर व नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने शनिवार की रात महानगर के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने रेलवे स्टेशन गोरखनाथ झूले लाल कचहरी रैन बसेरे के एक औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरों में रुके नागरिकों से बात की और उनसे यहां आने का कारण पूछा। एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि रैन बसेरों के रजिस्टर को चेक किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अपराधी यहां पर क्राइम करने के उद्देश्य से आकर रुका है। जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि एसएसपी गोरखपुर के साथ ज्वाइंट रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इसमें यह देखा गया है कि किस प्रकार से रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टि से सबके आई कार्ड व आधार कार्ड को चेक किया गया और देखा गया कि कोई आपराधिक व्यक्ति इन रैन बसेरों का उपयोग तो नहीं कर रहा है। रैन बसेरों में रुके नागरिकों से फैसिलिटीज के बारे में जानकारी ली गई और जो लोग सड़क पर सोते हैं उनको रैन बसेरों में पहुंचाया गया और उनको ठहरने के लिए सभी सामग्री दी गई। इस अवसर पर एएसपी सीओ कैंट मानुष पारिक, अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह, कैंट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा, रेलवे चौकी प्रभारी महेश चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, देखिए एसएसपी सर के साथ आज हमने ज्वाइंट एक विजिट किया, जिसमें हमारे पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारीगण, हमारे लोकल एसएचओ सीओ और हमारे अपर नगर आयुक्त और हमारे जो निर्माण विभाग के जेई एक्सएन हैं, वो सब देखा गया कि किस तरीके से इन रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से सबके आई कार्ड, सबके आधार कार्ड चेक किए गए और जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कोई भी क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति इन रैन बसेरों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, इसके बाबत एसएसपी सर के साथ निरीक्षण किया गया। और भी जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं कोई आवश्यकता तो नहीं है, उस सब का निरीक्षण किया गया। और जो सड़क पे जो लोग सोते हैं उनको भी बताया गया, उनको भी पहुँचाया गया कि रैन बसेरों में सोया जाए। तो एसएसपी सर के साथ आज हमने 3-4 रैन बसेरों का निरीक्षण किया। सर, रैन बसेरों की स्थिति का भी जायजा लेके क्या पाया? अधिकतर सुविधाएं सबको, जो बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं, बुनियादी सुविधाएं सब दी जा रही हैं, सबको बेड है, सबको पास रजाई कंबल की सुविधा है, गर्म पानी की सुविधा है, शौचालय वगैरह सब हैं। और जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी निर्देशित किया गया है कि उसको पूरी करा लें।